हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। माइक्रोमैक्स ने अपना एक TWS लॉन्च कर दिया है जो कि माइक्रोमैक्स एयर फंक 1 प्रो। आज बात करने वाले हैं इसी के बारे में, इसके फीचर वगैरह जानने वाले हैं और जानने वाले हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या प्राइस होने वाला, भाई सब कुछ इस TWS के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि हमने बहुत टाइम से TWS पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ये क्या जा रहा है सामने से उड़ के हटाओ, तो हमने सोचा कि इस पे भाई कोई TWS की वीडियो डाल दी जाए अपनी यूट्यूब चैनल पे। सो लेके आ गया आपके लिए माइक्रोमैक्स एयर फंक 1 प्रो। भाई क्या नाम रखा है माइक्रोमैक्स ने। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है। तो देखो, आपको फ्रंट पे कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, ठीक है। बैक साइड में आपको कुछ फीचर मिलेंगे, जैसे कि आपको इसमें क्वालकॉम का चिपसेट मिलने वाला है, ठीक है। ANC का सपोर्ट मिलने वाला है, 32 घंटे का प्लेबैक टाइम भी आपको इसमें मिलने वाला है और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देन अब बात करें इस बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको हमारा केस मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब भाई कलर देखो, वाइट कलर, अंदर की साइड आपको TWS रखे हुए मिलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, मतलब लुक ऐसा है कि भाई वर्ड नहीं मिल रहे इनकी तारीफों में। मतलब कि वाइट कलर मिलता है आपको, वाइट ग्लॉसी फिनिश के साथ ये केस और आपको TWS मिलते हैं। मतलब ऐसी सफ़ेदी भाई दूध में भी नहीं, ऐसी सफ़ेदी इसके कलर में, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा वैसे मुझे इसका कलर, लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग है। एंड बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो देखो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी लिड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, प्लास्टिक काफ़ी बढ़िया इसमें यूज़ करी गई है। और एक और चीज़ आपको ना, इसके फ्रंट पे आपको इनकी ब्रांडिंग मिलती है और आपको नीचे की साइड एक USB टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू इसको आप चार्ज कर पाओगे, ऐसे करके भाई इसको आप चार्ज कर पाओगे। देन वहीं बात करें इन ईयरबड्स की, तो देखो ईयरबड्स का लुक आप देख सकते हो, कुछ लुक आप देख रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ वैक्यूम टाइप से, वैक्यूम क्लीनर नहीं होता उस जैसा है भाई इसका लुक। बट इससे ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि देखो अगर आप इसको अपने कानों में लगाओगे ना भाई, पूरी तरह से कवर कर लेता, बाहर की कोई भी नॉइस आपको सुनाई नहीं देगी। मतलब ANC वगैरह कुछ ऑन करो मत करो, इसमें सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन ही है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा। ईयर टिप्स आप देख सकते हो, कुछ आसमानी सी कलर की है, कुछ मिरी शर्ट जैसे कलर की है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और इसमें ना आपको टच का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप प्ले पॉज आगे पीछे सब कम कर पाओगे। और आपको दोनों ईयरबड्स में आपको चार माइक मिलते हैं, मतलब दो माइक एक में, दो माइक एक में। तो कॉलिंग वगैरह की बात करें तो भाई कॉलिंग भी आप काफ़ी बढ़िया कर पाओगे, सामने से भी आवाज़ आपको काफ़ी क्लियर आएगी और आप भी सामने अपनी आवाज़ काफ़ी क्लियर भेज पाओगे, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया भाई, अगर आप इस केस को चार्जिंग पर लगाते हो, ठीक है, आपको एक आसमानी कलर की लाइट जलती हुई दिखेगी, ऐसी कुछ मेरी शर्ट जैसी, तो भाई अगर आप अपने कमरे की पूरी बत्तियां बुझा दो फिर इसको जलाओ, भाई क्या अमेजिंग आपको इसकी लाइट लगी, मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देती है ये लाइट भी इस केस को। तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए क्यों रखा जाए। और आपको ना इसमें जो ड्राइवर मिलते हैं वो है भाई 13 mm के आपको ड्राइवर मिलते हैं, तो साउंड वगैरह काफ़ी बढ़िया, मतलब आप साउंड सुनोगे, सब कुछ सुनोगे, आपको सब कुछ क्लियर आएगा, बट साउंड में लाउडनेस नहीं है, तो आप अपने स्मार्टफोन से जितनी भी वॉल्यूम करना चाहो कर लो, जितना लाउड है वही आपके कान में आएगा, ज़्यादा लाउडनेस आपको नहीं मिलेगी। IP44 का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, वाटरप्रूफ है, ज़्यादा भी हैवी नहीं है कि भाई आपको स्विमिंग पूल में आप इसको लेके घुस जाओ कि आप लगा के गाने सुनो, ना भाई ख़राब हो जाएंगे, गलती से मत घुस जाना भाई, ख़राब हो जाएंगे आपके ये TWS। तो नॉर्मल जो आपका पसीना वगैरह जो आता है भाई, स्वेट वगैरह जो आता है उसको झेल सकता है ये, ना कि आप स्विमिंग पूल में आप इसको लेके जाओ, ख़राब हो जाएंगे भाई। देन अब बात करें इस TWS के बैटरी के बारे में, तो देखो इसके ना जो ईयरबड्स हैं ये ऑन एवरेज 7 घंटे तक का आपको प्लेबैक टाइम दे देते हैं, और अगर आप इसको केस के थ्रू यूज़ करते हो तो भाई 32 घंटे का आपको इसमें प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया, सब कुछ आपको यही मिलता है इस TWS में। अब बात करें भाई इसकी प्राइस की, तो प्राइस है इसका 2499, सिर्फ 2500 रुपये के आपको ये ईयरबड्स मिलते हैं। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ भाई, थोड़ा 2000 रुपये के समथिंग होता ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, वैसे ना इसका ये भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चेक कर सकते हो, लिंक से डिस्क्रिप्शन, फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं, ठीक है। ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की तो भाई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जो लुक है ना, डिज़ाइन है, वो आपके कानों में ऐसा फंसे आता है कि भाई बाहर की आवाज़ तो आनी ही नहीं, मतलब इसका जो डिज़ाइन बनाया है वो काफ़ी बढ़िया है, वैक्यूम क्लीनर की तरह, क्या बात है, बनाने वाले की तारीफ है। तो बस यही था भाई,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही, तब तक के लिए।